हेलो हाय वेरी गुड आफ्टरनून ऑल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज पूजा पांडे एंड वेलकम टू सुधाकर सिंह एजुकेशन हब। आपके अपने चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, हमने कल चर्चा किया था तत्व और तत्सम के बारे में चर्चा किया था, जिसको हमने आपको पूरी तरह से बता दिया था। आज हम वही बताएंगे तत्व और तत्सम, लेकिन बताएंगे ट्रिक के माध्यम से। कैसे बताएंगे? ट्रिक के माध्यम से, जिससे आपको समझने में और आसानी हो। कि क्या बताएंगे? तत्व और तत्सम हम बताएंगे ट्रिक के माध्यम से, के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। ओके, कैसे समझाएंगे हम? यहाँ पर होगा ट्रिक नंबर फर्स्ट। क्या ट्रिक नंबर फर्स्ट? ट्रिक नंबर फर्स्ट में क्या है? जहां पर विसर्ग, जिस शब्दों में विसर्ग देखने को मिलता है, वो क्या होता है? तत्सम होता है। जैसे विसर्ग, क्या हो गया? विसर्ग, ये क्या है? विसर्ग। ये जहां पे जिन शब्दों में देखने को मिलेगा, मेरे देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, वहां क्या होगा? तत्सम होगा। तत्सम होगा, तत्सम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या देखेंगे? जैसे जैसे क्या हो गया? केशवा। क्या? केशवा। यही हिंदी में तत्व में भी यही क्या होगा? केशव। क्या हो जाएगा? केशव। दूसरा क्या होगा? जैसे बाला। और यही यहां पर क्या हो जाएगा? यही विसर्ग हट जाएगा। ये क्या हो गए? तद्भव और तत्सम। ओके, जहां पर विसर्ग होगा वो क्या होगा? तत्सम होगा, और जहां पर विसर्ग हट जाएगा वहां पर तद्भव हो जाएगा। ट्रिक नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। अब हम बताएंगे आपको ट्रिक नंबर सेकेंड। क्या? ट्रिक नंबर सेकेंड। सेकेंड में क्या है? शा। क्या? शा। जहां पर या यूं कहें, जिन शब्दों में शा देखने को मिलता है, ये शा हमारा हमेशा किस में आता है? संस्कृत में ही आता है। ओके, देखने को मिलता है, मिलता है, वहां वहां क्या होगा? शा होगा। ये हमेशा संस्कृत में आएगा। ये जो छा है ये संस्कृत में ही आता है, संस्कृत के शब्दों में ही आता है, संस्कृत में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या देखेंगे? जैसे हो गया नक्षत्र, क्षत्रिय। क्या हो गया? नक्षत्र। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हमारे तत्सम में क्या हो जाएगा? हो गया नक्षत्र, नक्षत्र, क्षत्रिय, कक्षा, कक्षा। ये सब क्या हो गए? ये हमारे हो गए ट्रिक नंबर सेकेंड। जहां पर भी आपको छा दिखे वो तत्सम है, ठीक है? ये छा हमेशा किसमें आता है? संस्कृत में, इसलिए ये तत्सम माना जाता है। ओके, यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, जो मैं एग्जाम में पूछा गया था। वो कौन सा क्वेश्चन है? निम्नलिखित शब्दों में तत्सम बताइए। क्या? निम्नलिखित शब्दों में तत्सम बताइए। क्या क्वेश्चन क्या है? एग्जाम में पूछा गया था, वहीं से मैंने इसको पुटअप किया है। ओके, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम बताइए। ओके, कौन सा है? क्षीर। क्या है? यहाँ पे एक शब्द होगा क्षीर, फिर उसे क्या हो गया? का हो गया क्षीर, खा हो गया
और गा क्या हो गया, धरती, और घा क्या हो गया, छेड़ना, क्या हो गया, छेड़ना। इसमें इसमें तत्सम क्या होगा, यहां पर देखिए छीड़ छेड़ धरती छेड़ना, इसमें तत्सम कौन सा होगा, जहां पर भी छा आएगा वो क्या हो जाएगा, तत्सम। छा कहां भी आ रहा है, छीड़ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छीड़, क्या होगा, छीड़। ओके, इतना समझ में आ गया। ट्रिक थर्ड, थर्ड में क्या है, वा, क्या है, वा, वा तत्सम शब्द में आता है, किसमें आता है, तत्सम शब्द में, वा तत्सम शब्दों में आता है, में आता है, और यही वा, यही वा जब बा, बा बन जाता है, तो तद्भव हो जाता है, क्या हो जाता है, तद्भव, तद्भव हो जाएगी, हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल में हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल में हो गया जैसे, जैसे जैसे हो गया वारिद, क्या हो गया, वारिद, वारिद का तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बादल, क्या हो जाएगा, बादल। यही वा जब बा बन गया ना, तो क्या हो गया, ये बादल, बादल तद्भव हो जाएगा और वारिद तत्सम हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, वर्षा, क्या, वर्षा, और यही वर्षा जब आगे जाकर बा बन जाए, क्या हो जाए, बा, या फिर हम क्या हो जाएगा, बरसात, क्या हो गया, बरसात, वर्षा, बरसात, बारिश, बादल। समझ में आ गया, ये हमारा तत्सम होगा और ये तद्भव होगा। ओके, अब हम बात करेंगे ट्रिक नंबर फोर की, इसकी ट्रिक नंबर फोर, फोर, फोर में क्या होगा, फोर में हमारा आएगा श, कौन सा, श, तालब शा, ये शा आगे जाके, जाके दूसरे शब्दों में जब, ये वाला सा, ये कौन सा है, दंत सा, दंत सा में परिवर्तित हो जाता है, में, में परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है, तो हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जहां पर हमारा ताला कृष्ण आएगा वहां पर तत्सम होगा, और जहां पर दंत सा होगा वो तद्भव हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर क्या देखेंगे, जैसे, जैसे हमारा क्या हो जाए, तत्सम में कौन कौन सा रहेगा, तत्सम में कौन कौन सा रहेगा, जैसे ईदृश, क्या, ईदृश, और यही तत्सम में हो जाएगा ऐसा, क्या हो जाएगा, ऐसा, यही सा हिंदी में क्या होगा, ऐसा, संस्कृत में ईदृश होगा। ओके, फिर हो जाएगा दूसरा क्या है, जैसे हमने बोलते परसों, क्या, परसों, फिर इसको हम तत्व में कैसे लिखेंगे, परसों, कैसे लिखेंगे, परसों। ओके, समझ में आ गया इतना। अब हम यहां पर देखेंगे अंश, क्या हो जाएगा, अंश, क्या, अंश, ये अंश, और यही तत्वों में हो जाएगा अंश, सब ही चेंज हो जाएगा। ओके, जाएगा अंश, अंश, ये हो गए हमारे तीन, तत्सम और तद्भव, समझ में आ गया इतना। ओके,
अब हम आपको समझाएंगे ट्रिक नंबर 5, ओके, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए तत्व और तत्सम, एग्जाम में कोई दिक्कत ना पड़े। ट्रिक नंबर 5, ट्रिक 5, रे क्या है, रे, रे जिन शब्दों में, जिन जिन शब्दों में, जिन शब्दों में री री आई, री आई वहां वहां तत्सम होता, क्या होता है, तत्सम, तत्सम होगा होगा। तब पर हम देखेंगे क्या है ना, जैसे 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 तत्सम क्या हो जाएगा, तत्सम यहाँ पर श्रृंगार, क्या श्रृंगार, ये क्या है श्रृंगार, और ये तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव क्या होगा, श्रृंगार, क्या होगा श्रृंगार, तद्भव में इस तरह से लिखा जाएगा और तत्सम में इस तरह से, ओके। और यही क्या दूसरा क्या है, जैसे हो गया हमारा मृतिका, क्या हो गया मृतिका, और इसको तद्भव में कैसे लिखेंगे, मिट्टी मिट्टी, ये क्या हो गए तद्भव और तत्सम हो गए, समझ में आ गए। यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, हमारा रिच, क्या रिच, एक हो गया, दूसरा हो गया बहिन, और तीसरा क्या हो गया बहू, बहू आगत, इसमें आपको तत्सम पहचानना है, क्या पहचानना है तत्सम। तो यहाँ पर री कहाँ दिख रहा है, वृक्ष में, वृक्ष में क्या होता है पता आपको, वृक्ष में क्या होता है, हिंदी में इसको भालू कहते हैं, क्या कहते हैं भालू कहते हैं, ये वृक्ष री दिख रहा है और इसके अंदर भालू होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान तत्सम क्या हो गया वृक्ष, क्या हो गया वृक्ष, ये समझ में आ गया इतना। होपफुली आपने सेशन को पसंद किया होगा, आपको सेशन मजेदार लगा होगा, यदि सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ यदि पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल, आज के लिए बस इतना ही, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ते रहिए।